मैम सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत प्यार मिल रहा है, आपकी शो को प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स आया है सारे व्यूअर्स की तरफ से, इतने ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि मतलब हर दिन यू नो बहुत मन करता है कि और मेहनत करी जाए, यू नो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ओके, अगर हम बात करें शो की, शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, आप भी काफ़ी परेशान दिख रही है बाबूजी के पास, क्या कहना चाहोगे? देखिए डेली सोप में ऐसे ही होता है, ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं, तभी यू नो जो ऑडियंस है वो जुड़ी रहती है शो के साथ, तो हमारे शो के साथ भी ऐसा ही है, एवरी डे देयर इज अ ट्विस्ट एंड टर्न इन अ शो। बट मैं कहूँगी दिल दिया गला में थोड़े ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है, और अभी अभी पता लगा कि अमृता मान की बेटी है, हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली को पता चला है, तो बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे कहते हैं ना, वो हो गया है हमारी फैमिली में, और बीजी भी अमृता के पीछे पीछे चली गई हैं और खो गई हैं, और हमें पता ही नहीं कि बीजी कहाँ चली गई है, तो वो भी एक ड्रामा चल रहा है। तो यू नो देखा जाए तो बहुत ही सीरियस मैटर चल रहा है घर के अंदर, लेकिन और साथ के साथ रिया और वीर की शादी भी यू नो अनाउंस हो गई है, तो वो भी प्रेशर है, तो बहुत कुछ चल रहा था। तो शादी हो गई या नहीं होगी, क्या है मतलब? वो तो मैं बोलूंगी कि आप देखिए प्लीज अपने यू नो जस्ट वॉच आवर शो और आपको तभी पता चलेगा, लेकिन अभी सिर्फ एंगेजमेंट ही अनाउंस हुई है, तो अभी मुझे नहीं पता कि एंगेजमेंट होगी कि नहीं होगी। लेकिन वीर का दिल दूसरी तरफ है, अमृता की तरफ है, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? अमृता को कैसे टैकल करने वाली है आप? अमृता को मतलब टैकल तो मैं क्या करूँगी, बट ठीक है, अगर वीर कभी भी एक्सप्रेस करेगा रिया से अपनी बेस्ट फ्रेंड से कि वो अमृता से प्यार करता है, तो रिया डेफिनेटली बहुत मेच्योरिटी के साथ उसको अपना डिसीजन सुनाएगी, बताएगी कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या दोनों में फाइट होगी? फाइट हो सकती है। मैं यही बोलूंगी कि जैसे राइटर्स लिखेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे, फाइट लिखेंगे तो बिल्कुल फाइट करेंगे, करनी पड़ेगी। ओके, बीजी को घर से बाहर निकाल दिया है, तो क्या बीजी फिर कौन लेकर आएगा? आप लाएंगे, वीर लाएंगे, कौन लाएंगे? बीजी को ढूंढते ढूंढते सारी फैमिली बाहर निकल जाती है, तो हम सारे बीजी को ढूंढ लेते हैं और यू नो हम सारी उनको घर वापस लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट और है, दार्जी अमृता से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम रुक जाओ थोड़ी देर जब तक बीजी ठीक नहीं हो जाती, तो ये एक बहुत यू नो कह लो सरप्राइजिंग चीज़ है कि दार्जी और अमृता को कहीं के रुकने। ओके, शो की अगर हम बात करें, प्यार तो आपको काफ़ी मिल रहा है, आपको एक कॉम्प्लीमेंट आपके कैरेक्टर को लेके कोई आपके फैंस ने दिया हो या किसने दिया हो? आई थिंक मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिला है फैंस से वो ये है कि रिया मतलब बहुत बोल्ड है, बहुत ही आउटस्पोकन है, और मतलब जो भी उसके दिल में है ना वो स्ट्रेट अवे बोल देती है ना, तो काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो रिलेट करती हैं रिया के साथ, और जो उसकी फ्रेंडशिप दिखाई है वीर के साथ, तो कई यू नो फैंस ने अपनी फ्रेंडशिप, अपने जो फ्रेंड्स हैं बचपन के यू नो उनकी स्टोरीज मुझे लिख लिख के बताई है, तो काफ़ी रिलेटेबल कैरेक्टर साबित हुए रिया, तो ये सब मैं पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है। वन लास्टली मैसेज फॉर फैंस, यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़ के, बहुत दिल खुश हो जाता है, रोज़ उठ के आपके इतने टिंग 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 मैसेजेस आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, और हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे, प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए क्योंकि हमें मज़ा आ जाता है, तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग जल्दी अगला, दिस वॉज रिया ब्रार, थैंक यू।